फिर दिल दो हॉकी को वाला नारा फिर से जोर से चिल्लाने का मौका आ गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 अगस्त यानी शुक्रवार को एक कमाल का मैच हुआ और भारतीय शेरों ने बता दिया कि अगर हॉकी में भरोसा रखेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। टीम इंडिया ने पूल बी के मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर कमाल कर दिया है और ओलंपिक में लगातार दूसरा मेडल जीतने की उम्मीद को जिंदा रखा है। शुक्रवार को हुए इस मैच में भारत ने पहले मिनट से ही अटैक चालू रखा और ऑस्ट्रेलिया को हवा नहीं लगने दी। बेल्जियम से हार झेल कर आ रही टीम इंडिया के सामने चुनौती थी कि अगर मेडल की उम्मीद को जिंदा रखना है तो ऑस्ट्रेलिया को हराना ही होगा और वैसा ही हो गया है। और इसकी शुरुआत 12वें मिनट के साथ हो गई थी जब अभिषेक ने काउंटर अटैक करते हुए ऑस्ट्रेलिया पर गोल दाग दिया था। ललित उपाध्याय के डी में एंटर करते ही जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस को भेदा तो बाकी का काम अभिषेक ने कर दिया। अभी ऑस्ट्रेलिया इस वाले गोल से उभरा ही था कि अगले ही मिनट सुपरस्टार हरमनप्रीत सिंह ने फिर से गोल दाग दिया। कप्तान हरमन ने टीम इंडिया को पहले क्वार्टर में ही 2-0 की लीड दिलवा दी। अब बस करना यह था कि आपको इस लीड को बनाए रखना था, लेकिन सामने ऑस्ट्रेलिया थी इसलिए आप हल्के में नहीं ले सकते थे। टीम इंडिया ने बीच में थोड़ा डिफेंसिव जरूर खेला लेकिन ऑस्ट्रेलिया अब भी प्रेशर में था। इस बीच ऑस्ट्रेलिया का एक कमबैक हुआ जब 25वें मिनट में ऑस्ट्रेलिया के क्रेग थॉमस का गोल आया। अब मुश्किल बढ़ रही थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वापसी कर सकता था, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत ने ऑस्ट्रेलिया को फिर मौका नहीं दिया। 32वें मिनट में फिर से एक गोल आया और लीड अब 3-1 की हो गई थी। ओलंपिक में आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हॉकी में 3-1 की लीड ले लें ये कोई मजाक तो नहीं है। बस फिर वही था कि हर किसी को उम्मीद थी कि आप इस लीड को बचा कर रखें, लेकिन धड़कन बढ़ाने के लिए 55वें मिनट में ब्लेक गोवर्स का एक और गोल आया, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया ने कोई भी ढील नहीं दी। आखिरी 5 मिनट में लगा कि मामला थोड़ा इंटेंस हो रहा है, लेकिन टीम इंडिया ने हिम्मत बांधे रखी और अंत में नतीजा उसके ही हक में आया। हॉकी में ऑस्ट्रेलिया और भारत की लड़ाई काफ़ी पुरानी है। दोनों के बीच अब तक 144 मैच हुए हैं। इनमें 99 में टीम इंडिया को हार मिली है जबकि 25 बार ऑस्ट्रेलिया हारा है। दोनों टीमों के बीच 21 बार मैच ड्रॉ भी हुआ है। ऑस्ट्रेलिया इस बार 100वीं जीत के इंतजार में था लेकिन टीम इंडिया ने उसका सपना तोड़ दिया। ओलंपिक में तो मामला और भी बुरा रहा है। इस मुकाबले से पहले दोनों के बीच 11 मैच हुए, 3 में इंडिया जीती और 6 में ऑस्ट्रेलिया। लेकिन कमाल की बात यह भी है कि भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओलंपिक में आखिरी जीत 1972 में मिली थी, यानी अब 52 साल के बाद इंडिया ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई मैच जीत पाया है। इस कमाल के जीत में हर खिलाड़ी का योगदान है और आपको यहां अपने गोलकीपर पीआर श्रीजेश को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने इस मैच में भी आपको कई बार बचाया है और ऑस्ट्रेलिया को गोल करने नहीं दिया। टीम इंडिया ने पिछले ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इस बार भी उम्मीद बरकरार है और कोशिश तो यही है कि अब की बार ब्रॉन्ज नहीं गोल्ड मेडल आएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।